नमस्कार। अमेरिका का महायुद्ध वाला संयोग आपको बताया, उससे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। कर्नाटक के मैसूरू में कोरोना से खास समुदाय के लोगों की ज्यादा मौत हुई है, ये जानकारी सामने आई। एसडीपीआई के नेता अब्दुल मजीद ये दावा कर रहे हैं, जो एसडीपीआई के नेता हैं, अब्दुल मजीद ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। कर्नाटक में कोरोना से मौत की दर है 2.08%, लेकिन मैसूरू में जो दर है वो है 4.31%। ये दावा है अब्दुल मजीद का, एसडीपीआई के नेता का, अब्दुल मजीद का ये दावा, जो कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए कर्नाटक में जो मौत का दर है। अब्दुल मजीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, एसडीपीआई के नेता। अब्दुल मजीद साहब, ये क्या दावा है जो आप कह रहे हैं कि कर्नाटक, पूरे कर्नाटक को देखें तो मौत की दर अलग, लेकिन मैसूरू में जो है वो अलग, और आप खास समुदाय की बात कर रहे हैं? मिस्टर विशाल ना जी, मिस्टर विशाल नमस्ते जी। ये जो है, देखिए, जब ये मैसूरू जो सिटी है कर्नाटक के, इसमें जो कोविड का डेथ का रेट और कोविड पॉजिटिव केसेस ज्यादा हुआ, तो हम लोग इसका ऊपर एक रिसर्च किया, तो इसमें एक एनालिसिस किया तो ये मालूम होता है कि कर्नाटका का, जैसे कि आपने बताया, कर्नाटका में जो एवरेज जो डेथ रेट है 2.08 है, मगर मैसूर का डेथ जो रेट है कल तक 4.31, यानी डबल है। या दूसरा देखिए, इवन बैंगलोर आल्सो इट्स अ हॉट स्पॉट, बैंगलोर में ज्यादा केस हो रहे हैं, मगर डेथ रेट इज 2.31। तो ये जो लोगों का उसमें वेरी पैनिक है, लोग बहुत परेशान है, तो इसलिए हम लोग सीएम येदियुरप्पा से ये मांग किए थे, एक हाई लेवल एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए इसको, ये जानने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे आइंदा दिनों में ये बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन पे जाएगा, तो इसका हमारा मांग था। दूसरा, आपने ऑलरेडी बताया कि इसमें और एक अलार्मिंग और बड़ी एक अफसोस की एक न्यूज है, जो डेथ्स हो रही है वो डेथ्स में 70% ऑफ द डेथ, टोटल डेथ में मैसूरू में द पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। इट्स आल्सो अलार्मिंग है, इट्स आल्सो पैनिक है। तो इस सारे चीज रखते हुए हम लोग बताएं कि क्योंकि एक जिम्मेदार सरकार को ये लोगों को बताना चाहिए ये वजह क्या है, और इसमें से हम लोग बाहर कैसे आए, इसको कैसा रोके, ये है हमारा रिक्वेस्ट है मिस्टर विशाल। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब, एसडीपीआई के नेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो बता रहे हैं कि इन्होंने, इनकी तरफ से एक रिसर्च की गई थी, और इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि पूरे कर्नाटक में जो मृत्यु दर है, जयपाल भी हमारे साथ जुड़ गए, आप देख रहे हैं जयपाल, पूरे कर्नाटक की मृत्यु दर मैसूरू की मृत्यु दर ज्यादा क्यों, इनकी रिसर्च में और क्या बातें सामने आई? जी देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने अपना रिसर्च किया है और उसके बाद जिस तरीके से चीजों को सामने में लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इस वक्त में पूरे कर्नाटक के अंदर में अगर देखा जाए तो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, खास करके बेंगलुरु के अंदर में। मैसूर है, मैंगलुरु है, ऐसे कई शहर हैं जो कि इस वक्त में गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन जो इनका रिसर्च है और रिसर्च के बाद ये जो नतीजे ये लेकर के आए हैं और जिस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये इनके जो, जिसको हम कह सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है, वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि इस वक्त में जहां तक जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैं आज तक देखता आया हूँ, वो ये है कि जब भी कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज होता है तो उसका कोई जाति का कोई धर्म नहीं होती, और उनके लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है मरीज को ठीक करना। लेकिन अगर इस तरीके से आंकड़े सामने लाके आए जाएंगे तो रिसर्च में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई, जो जयपाल भी बता रहे हैं और अब्दुल मजीद जो है, जो एसडीपीआई के नेता है, उन्होंने भी बताया। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।